हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा, अगर आपने कोई भी गेम से रिलेटेड पोस्ट या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पे लिखा होगा तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं, उसी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत देखना। जो भी बंदे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरी वेबसाइट है और मैंने यहाँ पे टोटली 54 पोस्ट अपलोड किए। अब बात करते हैं यहाँ पे एडसेंस के अप्रूवल की। तो सबसे पहले मैं आप सबको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने 200 वर्ड्स के अराउंड यहाँ पे आर्टिकल लिखा था। यहाँ पे ये प्ले गेम के मतलब प्ले गेम्स के लिए वैसा मतलब यहाँ पे पोस्ट था, मतलब यहाँ पे कोई भी गेम्स खेल सकते थे ऑनलाइन गेम्स इजीली। और यहाँ पे एक पोस्ट था, तो ये पोस्ट भी हमारा मतलब यहाँ पे मैंने पोस्ट मतलब लिया था वो डाउनलोड करके मतलब हमारे डायरेक्ट क्रोम से, और ये मतलब कॉपीराइट वाला पोस्ट था। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे गेम्स से रिलेटेड यहाँ पे मतलब आर्टिकल्स लिखे थे, पूरे गेम्स से रिलेटेड 54 और अराउंड 200 वर्ड्स टोटल मतलब पर पोस्ट का था आर्टिकल। तो अभी बात करते हैं एडसेंस अप्रूवल की। तो यहाँ पे गाइस मैं आप सभी को दिखा दूँ कि मुझे यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल मिला था या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर मुझे इतने सारे मतलब यहाँ पे यू नीड टू फिक्स यहाँ पे मतलब बहुत सारे दिखा रहे थे। देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पे 19 अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था और देख सकते हो मुझे यहाँ तक मतलब कितने दिन तक, तो 7 जुलाई तक मुझे एडसेंस अप्रूवल नहीं मिला। तो मतलब इसका रीज़न क्या था वो भी मैं आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मैं बता दूँ ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया तो आप सभी न फेस करें, इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी बताना कि क्या प्रॉब्लम्स है, और आपको भी ये स्टेप बाय स्टेप मतलब फॉलो नहीं करना है, आपको मतलब इससे दूर रहना है। तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले आप सभी को अपने मतलब कभी भी ब्लॉगर के पोस्ट में डाउनलोड बटन नहीं लगाना है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आप कोई भी मतलब इमेज यूज़ करते हो तो कॉपीराइट वाली इमेज यूज़ नहीं करना है। मैंने आप सभी को वीडियो बना के दिया जो नो कॉपीराइट इमेज आप कैसे मतलब डाउनलोड कर सकते हो, तो वो आप वीडियो देख सकते हो जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी बात करते हो कोई भी ऐसा मतलब ऑनलाइन गेम से रिलेटेड जो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो उस तरीका का भी आपको मतलब पोस्ट नहीं बनाना है। और बात करते हो किसी भी गेम से या फिर ऐप से रिलेटेड आपको पोस्ट बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर आप गेम से रिलेटेड या फिर ऐप से रिलेटेड कोई भी पोस्ट लिखते हो तो आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा, इसलिए आपको हमेशा मतलब नहीं क्या यूनिक आर्टिकल लिखना है और कोई भी गेम या ऐप को मतलब लिखना नहीं है। क्योंकि मतलब जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते तो एडसेंस को लगता है कि हम लोग उसका मतलब उसका हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, मतलब उन्हें हमें प्रमोशन कर रहे हैं उसके वेबसाइट का, इस कारण मतलब ये हो सकता है। इसलिए आप सभी को भी मतलब स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और आपको स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करना है, और आपको मतलब ये मिस्टेक्स नहीं करना है जो मैंने किया। आपको नो कॉपीराइट इमेजेस भी यूज़ करना है, और यहाँ पे आप सभी को किसी भी गेम्स या फिर ऐप से रिलेटेड पोस्ट नहीं लिखना, और किसी का भी गेम का मतलब यहाँ पे ऐप का या गेम का या फिर कोई भी लिंक हो अगर आपके मतलब वेबसाइट में, तो लिंक को आपको कभी अपलोड नहीं करना है और डाउनलोड बटन ऐड नहीं करना है। तो इस ये मतलब स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको एडसेंस का अप्रूवल ज़रूर मिल जाएगा। मतलब आप सभी को ये अवॉइड करना है और इसको मतलब ये पूरे चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।